एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह के बज रहे 10:30, हमारा चाय नाश्ता हो चुका है और आज मेरे पास बहुत सारा काम है और खुशी भी है। खुशी क्या है, क्योंकि मेरे दोनों भाई दिल्ली से आने वाले हैं आज, और मेरी बड़ी बहन भी है और बहन का लड़का है जिसका नाम है फैज, वो भी आ रहे हैं। मैं उससे मिलने के तो और भी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। कब आए। हमारा चलता ही रहेगा, काम के साथ साथ हमें अपना स्किन की भी ध्यान रखना चाहिए। तो आज मैं घर पर ही सोची कि फेस पैक बनाती हूँ और लगाती हूँ और साथ साथ आपको ये बताती हूँ। तो मैं इसमें 1 चम्मच जितना दही ली हूँ और 1 चम्मच जितना बेसन ली हूँ और चुटकी भर हल्दी ली हूँ, उसे मिक्स करके फिर अभी उसे अप्लाई करूँगी। तो यहाँ पर मैं पहले से बना के रखी थी। फ्रेंड्स, आप लोग ये मत सोचिए कि ये कहाँ देख रही है, क्योंकि कैमरे में ध्यान रहेगा तो फिर मैं लगा नहीं पाऊंगी। आप लोग भी ये फेस पैक जरूर ट्राई कीजिए, अच्छा होता है। बेसन हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है, दही भी हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, तो आप लोग भी इसे जरूर ट्राई कीजिए। काफ़ी टाइम हो गया था मैं स्किन पर ध्यान नहीं रख रही थी और धूप में आना जाना, तो सोची कि चलो आज फिर घर पर ट्राई करते हैं। ट्राई नहीं करते, लगाते हैं, क्योंकि काम तो हमारा होता रहेगा, स्किन पर ध्यान जरूरी है। आप इसे पूरे फेस पे दोनों हाथों भी लगा सकते हो, गले में भी लगा सकते हो, जरूरी नहीं कि सिर्फ आप फेस पे लगाओ। डन। अब इसे हम 10 से 15 मिनट रखेंगे ड्राई, जब तक नहीं हो जाता। फ्रेंड्स, आप सब देख सकते हो अच्छी तरह सूख चुका है। अब मैं इसे धोऊंगी ठंडे पानी से, फिर आप सबको दिखाती हूँ। मैं यहाँ पर मुंह धो के आ चुकी। फ्रेंड्स, आप सब देख सकते हो पहले से काफ़ी सही दिख रहा है, तो आप लोग भी जरूर ट्राई कीजिए जो मैं आज बताई हूँ फ्रेंड्स पे। फ्रेंड्स, यहाँ पर चावल तो मैं चढ़ा दी हूँ, अब चिकन की बारी है। तो मैं यहाँ पर चिकन ली हूँ और इसमें दही ऐड की हूँ। अब इसमें मैं ऐड करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। अगर फ्रेंड्स आपको मेरी बिरयानी की रेसिपी चाहिए तो मैं बिरयानी की रेसिपी दे दी हूँ, आप मेरे चैनल पर जाके यास्मीन ब्लॉग पे देख सकते हो, मैं वहाँ पे बिरयानी की रेसिपी पूरा डिटेल में बताई हूँ। तो वहाँ पर हमारी बिरयानी तैयार हो चुकी है, मैं आप सबको दिखाती हूँ। कहाँ जा रहे हो, इधर आओ। अरे कहाँ गया, गुजरात आ गया। मामू कहाँ है? वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ, और अभी भी ब्लॉग बनाना चालू कर दे रहे हो? चलो अच्छे दिख रहे हो ना? अरे अच्छे दिख रहे हो, ब्लॉग में लेना। तजू मेरा घर कैसा लग रहा है? अब्बू आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। अरे मुझे तो पता ही नहीं था अब्बू भी आ रहे हैं ना। लल्ला क्या 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 बोलते हैं, मामू परेशान कर रहे थे ट्रेन में? जो बात बोलो, मैं जो मैंने कब परेशान किया आपको बताना। मेरे ऊपर तो पूरा सो के आए हो, मामू के ऊपर सो के आए थे। फैजू बता दो ना, कौन बता दो ना, फिर मारेंगे अभी नानू और नानी सामने मारेंगे। बताओ अभी नानी को कंप्लेन कर दो। नानी को कंप्लेन कर दो। सबसे ज्यादा परेशान कौन किया था? ये मामू की, मैंने परेशान। बताओ दोनों ने। दो में से किसका नाम होगा? बड़े ने। अरबाज मामू या तैयब मामू? उदयपुर में जो हम कुछ नाम बोल रहा है सीधा है। नाम बोलो अरबाज मामू। आ जा भाग आओ मेरे पास। ये ले ले भूभू। आपको नींद नहीं आ रही अभी? क्यों? जैसे ट्रेन में नींद आती है मुझे, इधर नहीं आती। फैजू यहाँ पे अच्छा लग रहा है आपको? फैज फैजू यहाँ पे अच्छा लग रहा है आपको? सच्ची सच्ची बताना, आपका घर अच्छा है या हमारा घर अच्छा है? ऐसा फूल बना हुआ है आपके घर में? देखो ऐसा बना है, ऐसा बना है। फूल नहीं बना है, देखा नहीं है कैसे? हमारे घर पे भी बना है।
मुझे तो लगता है मेरा ही घर सुंदर है। हाँ बुआ से बोल दिए, बुआ से बोल दिए कि मैं पहुंच गया। झूठ बोल रहे हो अम्मी। अम्मी मेरी बात बड़ी विक्की बड़ी बेटी आई तो मैं भूल गई, अम्मी मुझे भूल गई। दो महीने के बाद अम्मी देख रही है। दो महीने के बाद जबकि साथ में थे तो दो महीने के बाद फ्रेंड फैजू शादी हो जाएगा फिर तू भी आना फिर तुझे प्यार मिलेगा। हाँ बिरयानी कैसी बनी है? वो टेस्ट अभी खाया भी नहीं। तो खाओ जल्दी बताओ कैसा बना है। नहीं वीडियो के चक्कर में जल्दी नहीं खाऊंगा। विक्की मत है यहाँ पे कैमरा यहाँ पे। अच्छा मेरे लल्ले को नहीं मिला जल्दी दो। कौन सा खा लो पूरा ये खाओगे ये खा लो ना गोश्त है लेग पीस है। मस्त ऐसा लंगर में बैठा है ऐसा लेग पीस है मस्जिद में मिलता है ना ऐसा लग रहा है हम टेस्ट सच में। ओ मजाक से ओ चम्मच ये भी आने का तरस रहे थे। चलो दिल्ली में बिरयानी मिली नहीं कुछ आके मिला गोश्त नहीं खाना। फैजू नहीं खाना फैजू। अरे क्या बात देखो नहीं फैजू आप भी वीडियो में आ जाओ। हेलो व्लॉग में आ रहे हो भाई कर दो बिरयानी खा लो। अरबाज अब खा लिए ना बताओ कैसा है। अच्छा हाँ अबू आप रोटी खा रहा। अच्छा हाँ अबू अभी रोटी खा रहे हैं अभी बिरयानी खाना बाकी है। बाजी जल्दी जल्दी खा ले जल्दी जल्दी बता कैसा है। अबू कीमा खा रहे और वो खा रहे। वालेकुम सलाम बेटा कैसे हो अभी जा खा लो। बस मुझे खुशी मिल रही है मेरे इसी से पेट भर गया। सब लोग बोल दिए ना कि बिरयानी बहुत अच्छा है। अरे भाई लोग सब लोग बोल दिए ना बस बिरयानी बहुत अच्छा है उसी में खुशी। सही में ओ माशाल्लाह खराब बोलता खा लेते। नहीं ऐसा मेरी बिरयानी में खुद की तारीफ अच्छे करी खराब नहीं हो सकता। नहीं कोई बुराई की नहीं। हाँ ये तो बात सही है। बॉबी का सुनना खा लिया खाली नहीं कोई बात नहीं दिल्ली का लैंग्वेज थोड़ा इस टाइप का है। अमला भाई खा ही रहा है हमारे नंद लड़का नहीं लड़की नहीं लड़का लड़का है बहुत सारे लड़का इसको इनको भी बोल लो। फैजू मेरी बिरयानी कैसा लग रहा है बता देना। फैजू 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 बिरयानी कैसा लगा आपको? हाँ मुँह से बोलो मुँह से ऐसे करते ऐसे करते ऐसे यम्मी कैसे कैसे बता देना बताओ ना लल्ला इतना शर्मा रहे इधर लड़की नहीं लड़का ही है। फैजू अच्छा सुनो आज कल अच्छा बनाई थी कि गलती खा रहा किसका अच्छा है ओए ओए तो फ्रेंड्स सब लोग खा रहे सब लोग ने मेरी बिरयानी की बहुत तारीफ की तो अब मेरी बारी है मैं भी खाती हूँ फिर आपसे मिलती हूँ। चलो फिर तो फ्रेंड्स फैजू आज आप सबसे बात करेगा। फैजू बोलो तो आज हमने खाना खा लिया और आज आज की बिरयानी कैसी थी? आज की बिरयानी अच्छी थी और टेस्टी थी। ओए और हम अब जा रहे सोने। तो हमारे चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब सब्सक्राइब फ्रेंड्स और कमेंट बाय और लाइक शेयर नहीं करनी है? नहीं फ्रेंड्स गुस्से में शर्मा के गुस्सा नहीं हुआ शर्मा आ गया। अरे गिर जाएगा बेटा क्या कर रहे हो गुस्सा हो गया। फैजू आप बिल्कुल सही बोले हो कोई भी कमेंट नहीं करना फ्रेंड्स आप लोग शेयर भी नहीं करना है मेरे वीडियो को।